हेलो जनता, कैसे हो सब? तो मैं हूँ आपका दोस्त एस जी। एंड आज के वीडियो में यार हम ये जीरो क्रॉस गेम देखने वाले हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, सिंपल। इसमें प्योर हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ की हुई है, कोई भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज या कोई एनिमेशंस वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रखा है। सिंपल प्योर जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS की हेल्प से हम इसे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार बनाने से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम एक डिव बनाएंगे जिसमें कि एक क्लास देंगे कंटेनर की। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे को अपना H1 टैग लेना है जो कि होगा हमारा प्ले का टेक्स्ट। यहीं पे हमारा डिस्प्ले होगा कि कौन जीता कौन हारा, बट इनिशियली यहाँ पे रहेगा लेट्स प्ले। ठीक है, इसके बाद एक बटन होगा जिस पे आईडी होगी रीस्टार्ट बटन की, एंड इसकी वैल्यू होगी रीस्टार्ट। ठीक है, तो देखते हैं यार। डर, ओके एंड यस। ठीक है, तो ये लेट्स प्ले एंड ये हमारा रीस्टार्ट बटन। ठीक है, नाउ इसके बाद हमें अपनी पूरी यहाँ पे ग्रिड बनानी है जो मेन ग्रिड रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक आईडी देते हैं गेम बोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना डिव बनाएंगे जिसमें कि क्लास होगी सेल की, एंड ये जो आईडी है ना, ये इसका बेसिकली इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रही है। हमारी 9 ग्रिड्स है, 9 सेक्शंस होते हैं, तो ये 9 की 0th आईडी इंडेक्स। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी ग्रिड हो जाएगी। ये आईडीज जो हैं हमने जानबूझ के इंडेक्सिंग से लिया। ठीक है, अभी इससे कुछ आ नहीं रहा है तो, क्योंकि हमने इसमें कुछ अभी किया ही नहीं है। ठीक है, इस चीज को अभी करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हम हर बारी करते हैं। अब ये एक चीज है जो यार अभी तक हमने नहीं की। ये क्या करती है? बॉक्स साइजिंग। इसका मतलब है, देखो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये क्या करेगा? अगर हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन की हाइट हमने फॉर एग्जांपल दी 100 पिक्सल और उस पर बॉर्डर दे दिया 4 पिक्सल का, तो ये क्या करेगा? जो 4 पिक्सल बॉर्डर है उसे उसकी हाइट में इंक्लूड कर देगा। मतलब 100 में से 4 पिक्सल का हो जाएगा उसका बॉर्डर और 96% का हो जाएगा बाकी सारा कॉन्टेंट। बट अगर हमने इसे नहीं दिया तो क्या करेगा वो, कि 100 पिक्सल का आपका सेक्शन हो जाएगा प्लस उसके ऊपर से 4 पिक्सल का बॉर्डर देगा। तो वहां पे कई बार हमारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, हम वो चीज नहीं चाहते, तो इसीलिए हमने प्रॉपर्टी लगाई है ये। ठीक है, नाउ अब अपना उस पे काम करते हैं, बटन पे। बॉर्डर रेडियस एंड फॉन्ट साइज, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स की। ठीक है, तो ये हमारा बटन बन गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, ये आ गया नाउ। ठीक है, चलो जी, अब इस पे अब हम होवर पे डाल देते हैं। इस पे होवर प्रॉपर्टी भी तो लगानी है। कर्सर पॉइंटर। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे ना हम एक ट्रांजिशन डालते हैं 200 मिलीसेकंड्स का ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे। ठीक है, और इसमें होवर पे ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। ट्रांसलेट इन वाई कितना? -4 पिक्सल्स। ठीक है, तो देखो, ठीक है, ये हो रहा है, ये बटन का होगा। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं जो हमने कंटेनर बनाया था उसमें। इसमें हमें ना फ्लेक्स टाइप यूज करना है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सारे कंटेंट को सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है, एंड हाइट कर देंगे 100%, 100 व्यूपोर्ट हाइट्स। ठीक है, कंटेनर हो गया। नाउ अब हम देखते हैं इंडिविजुअल। चल अभी देखो, इसमें कुछ फर्क पता नहीं चलेगा, जस्ट ये हुआ है। एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, देखो ये जो है ना, इसमें हमें फ्लेक्स डायरेक्शन करनी है कॉलम की। इससे क्या होगा, ये जो भी एलिमेंट्स है ना, अभी सब रो वाइज अलाइंड है, ये सब कॉलम वाइज अलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए। चलो नाउ अब जो इंडिविजुअल बॉक्सेस हैं, अब हमें उन पे काम करना है। उनमें क्या करेंगे, हाइट कर देंगे 150 पिक्सल्स एंड सेम विड्थ कर देंगे 150 पिक्सल्स। ठीक है, फॉन्ट साइज कर देते हैं 70 पिक्सल्स का, फॉन्ट वेट कर देते हैं। ठीक है, चलो नाउ अभी कुछ दिख नहीं रहा आपको, क्यों? क्योंकि अभी बताते हैं। ठीक है, देखना
बैकग्राउंड कलर डालते ही आपको समझ आ जाएगा। ये देखो ये हुआ है, ये हमारा सारे जो भी बॉक्सेस थे वो सारे यहाँ थे, ठीक है। इसे भी हम फ्लेक्स टाइप पे डिस्प्ले कराएंगे, एंड हमें ग्रिड चाहिए है ना, इसीलिए हमें फ्लेक्स ही करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जो हमारा इशू हो रहा है ना, ये सही होगा इससे, हमें गेम बोर्ड जो है इसे फ्लेक्स टाइप डिस्प्ले करा के इसमें फ्लेक्स रैप डाल देंगे, ठीक है। और इसकी हाइट विड्थ कर देंगे 450 और विड्थ भी कर देंगे 450। अब हमने 450 क्यों की, क्योंकि यार देखो 3x3 की ग्रिड बनेगी एंड सबकी हाइट विड्थ 150 150 थी, तो 150 3x450, 450 हाइट 450 विड्थ। ये देखो ये हमारी ग्रिड बन गई, ये बटन आ गया और ये हो गया, ठीक है। जो बटन है इसमें थोड़ी सी ऊपर बॉटम से मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम, ओके ये हो गया, ठीक है। इसका हम ग्रे कलर हटा देते हैं, ठीक है, ये हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई है। चलो जी अब इधर आते हैं, देखो सबसे पहले हमारे को ग्रिड बनानी है, ठीक है। ग्रिड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जो बॉक्सेस थे उसे लेंगे, जो हमारे सेल थे ना उन्हें हम ले लेंगे, ठीक है। और देखो इसे यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है, चलो ठीक है। ये देखो ये आ रहा है, 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं इस पर पूरे इंडिविजुअल, देखो ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब उठा ली इसने, ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड है ना। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए एरे फॉर्म में, तभी तो हम इन पर काम कर पाएंगे, ऐसे तो काम करना पॉसिबल है नहीं। तो उसके लिए इसे कन्वर्ट कर देंगे एरे में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमारा एरे की फॉर्म में आ गया, देखो ठीक है एरे मिल गई इसकी। चलो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं ड्रॉ बोर्ड, ठीक है। इस फंक्शन को हम स्टार्टिंग में ही कॉल कर देंगे जैसे ही जावास्क्रिप्ट कॉल होगी हमारी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो बॉक्सेस हैं फॉर ईच प्रॉपर्टी लगाएंगे, हर एक बॉक्स पे काम करेंगे, ठीक है। ये हमें क्या देगा, इंडिविजुअल ये मैपिंग कर देगा सबकी, इंडिविजुअल बॉक्सेस पे काम करेगा, ठीक है। और ये हमें दो चीजें देगा, एक बॉक्स और एक उसका इंडेक्स, कि कौन से इंडेक्स का है, 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है, क्योंकि एरे है तो एरे में इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या डालना है, स्टाइलिंग डालनी है, तो हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली अपनी स्टाइलिंग के नाम से, ठीक है। इसमें हम अपनी जो स्टाइलिंग है उस स्टाइलिंग को इसके अंदर अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। स्टाइलिंग हम देखेंगे इंडेक्स से, चलो बताता हूँ कैसे। अगर जो हमारा इंडेक्स है वो लेस देन 3 है, मतलब टॉप रो का एलिमेंट है, तो उस पर हमारे को क्या डालना है, बॉटम बॉर्डर डालना है ना। तो यहाँ डाल देंगे बॉर्डर बॉटम 1 pixel सॉलिड ब्लैक, 1 pixel सॉलिड ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट, इफ जो हमारा इंडेक्स है वो मॉड्यूलो 3 0 दे रहा है, तो कौन सा हुआ, वो मॉड्यूलो 3 is 0 है ना, तो वो हमारी हुई फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम मतलब बॉर्डर राइट आएगा, 1 pixel सॉलिड ब्लैक। अच्छा इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये क्या है, ये हमारी CSS है, तो CSS में हर एक प्रॉपर्टी के बाद सेमी कोलन डालना होता है, ये चीज मत भूलना वरना गड़बड़ रिजल्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंट इंडेक्स को परसेंटाइल 3 2 मिल रहा है, मतलब वो हमारा राइट मोस्ट कॉलम आएगा है ना, तो उसमें कौन सा आएगा, बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है, नया लास्ट। अब हमारा जो इंडेक्स अगर मोर देन 5 हो गया, मतलब बॉटम है ना, तो इसमें आएगा बॉर्डर टॉप, ठीक है, ये ऐसे। नाउ अब हमें क्या करना है, अच्छा ये जो इंडिविजुअल बॉक्स आया है इसका स्टाइल, इसकी जो स्टाइल प्रॉपर्टी है, इसकी जो CSS है, उसमें हमने ये वाली स्टाइलिंग डाल दी, देखो ये ग्रिड बन गई हमारी, ठीक है। इंडिविजुअल बॉक्सेस पे हमने काम किया है, हर एक बॉक्स को लिया, पहले हमने बॉक्सेस की एरे बनाई, उस बॉक्सेस की एरे की मैपिंग हो गई इंडिविजुअली। अब हर एक को हमने इंडेक्स से किया चेक, कि अगर उसका इंडेक्स इन चार में से जो जो कंडीशंस फॉलो करता है वो प्रॉपर्टीज उस पर लगाओ एंड वो उसकी स्टाइलिंग में ऐड कर दो, ठीक है। यहां से स्टाइलिंग ऐड हो गई। नाउ अब हमें देखना है कि यार जब हम किसी पे भी क्लिक करें तो जीरोस और एक्स उस हिसाब से डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हमारे को जो बॉक्सेस है ना उन पे एक इवेंट ऐड करना पड़ेगा, कौन सा, क्लिक इवेंट। अब ये क्या होता है,
भैया जब भी क्लिक हो तो क्या चीज क्या आपको परफॉर्म करना है, यहाँ पे वो काम होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये है। ठीक है, हमने कहा कि यार जब भी किसी बॉक्स पे क्लिक होता है ना तो तुम इस फंक्शन को कॉल कर दो, बॉक्स क्लिक्ड। ठीक है, ये बॉक्स क्लिक्ड फंक्शन बनाते हैं, चलो। ठीक है, अब इस बॉक्स क्लिक्ड फंक्शन के लिए हमें तीन चार चीजों की नीड है। ठीक है, सबसे पहला प्लेयर्स, प्लेयर वन लेंगे जो कि एक्स है। ठीक है, प्लेयर टू जो कि जीरो है, सॉरी प्लेयर टू आएगा जीरो। ठीक है, एक हम अपनी ना एम्प्टी एरे लेते हैं, बताऊंगा अभी क्यों लेंगे। ठीक है, स्पेसिस एरे लेते हैं जिसके इनिशियली सारे एलिमेंट्स नल है बट टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे जो 9 इंडेक्सेस है ना, जो 9 कॉलम, ये सारी ग्रिड्स हैं, इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनिशियली सब ब्लैंक है तो नल, जैसे जैसे एलिमेंट्स में वैल्यूज आती जाएंगी यहाँ पे हम अपनी स्पेसिस एरे को फिल करते जाएंगे। ठीक है, एक हमें लेना है करंट प्लेयर, उससे हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर करंटली वर्क कर रहा है, कौन सा करंटली प्लेयर खेल रहा है। ठीक है, हमने वो चीज ली। नाउ अब हमें देखना है बॉक्स क्लिक्ड पे, सबसे पहले यहाँ पे हमें इवेंट मिलेगा, हमने इवेंट लिस्टनर ऐड किया था तो इसलिए हमें यहाँ पे इवेंट मिलेगा। अब हम देखेंगे कि आईडी लेंगे क्या, ये जो इवेंट आया है इसके टारगेट पे जाओ और उसकी आईडी उठा लो। ठीक है, अब हमने देखा कि जो स्पेसिस एरे है उसकी आईडी अगर नल नहीं है, नॉट लगा हुआ है ध्यान देना, अगर नल नहीं है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्पेसिस के आईडी पे हमें करंट प्लेयर डाल देना है। ठीक है, दूसरा जो ये इवेंट है इसके टारगेट पे जाएंगे एंड उसके इनर टेक्स्ट में हम करंट प्लेयर डाल देंगे। ये हो गया, अब हमें करंट प्लेयर भी चेंज करना है, वो कैसे होगा, करंट प्लेयर ये देखो, अगर करंट प्लेयर वन था तो करंट प्लेयर को कर दो टू, एल्स उसे कर दो प्लेयर वन। ठीक है, अब देखो इसे चेक कराते हैं, ये देखो यहाँ एक सारा है, ऑल्टरनेटली काम चलेगा। ठीक है, बट अभी ये हमारा कुछ भी चेक नहीं कर रहा कि प्लेयर जीता हारा, मैच टाई हुआ, क्या कैसे। ठीक है, तो अब हमें उस चीज को ऐड करना है, उसके लिए हमें दो फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। पहला इफ, पहला फंक्शन बनेगा प्लेयर हैज वन तो कुछ काम होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो चेक करेंगे मैच इज ड्रॉ या मैच इज टाई। ठीक है, ये एक फंक्शन बनेगा, फिर कुछ काम होगा, अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो मतलब हमें गेम अपना एज सच कंटिन्यू करना है तो हम। ठीक है, अब देखो एक चीज और लेते हैं, यहाँ पे एक चीज रह गई, लेट प्ले टेक्स्ट, हमने प्ले टेक्स्ट बनाया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी है ना, क्या था प्ले टेक्स्ट, इसमें क्या था, अभी हमारा इनिशियली लेट्स प्ले पड़ा है बट अब हम इसमें अपडेट करेंगे कि क्या हुआ, कौन जीता, मैच ट्राई हुआ क्या। ठीक है, तो क्या करेंगे प्ले टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट में क्या डाल देंगे, ये देखना ये हमारे बैक टिक्स हैं, सिंगल कोट नहीं है, बैक टिक है, ये आपको एस्केप के नीचे मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा, हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, डॉलर एंड उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू यूज कर सकते हैं, प्लेयर जो करंट प्लेयर था वो हैज वन। ठीक है, एंड यहां से मैं इसे रिटर्न कर दो, अगर टाई होता है तो प्ले टेक्स्ट के इनर टेक्स्ट में हम डाल देंगे मैच इज अ ड्रॉ। ठीक है, एंड यहां से रिटर्न कर दो। ठीक है, ये हो गया, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हमारा नॉर्मली चलता रहेगा। अब हमें ये दो फंक्शंस बनाने हैं, प्लेयर हैज वन और मैच इज अ टाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्लेयर हैज वन, चलो कॉन्स्ट प्लेयर हैज वन। अब देखो प्लेयर जो कोई भी है वो कब जीतेगा, जब या तो एक रो में उसके सारे सेम एलिमेंट्स आए, एक कॉलम में सेम एलिमेंट्स आ जाएं, या डायगनली सेम एलिमेंट्स आ जाएं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग मैप करेंगे अपने इंडेक्सेस से। ठीक है, इंडेक्स से कैसे मैप करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे इफ स्पेस इज एट जीरो इज करंट प्लेयर। ठीक है, अब अगर जीरो जो एलिमेंट है, मतलब यहां पे करंट प्लेयर का है एक्स है या जीरो जो भी, तो इसके हिसाब से अब तीन कंडीशन है, या तो ऐसे में जीते वो प्लेयर, ऐसे जीते, या डायगनली जीते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर जीरो पे हो चुका है तो हमने चेक किया वन पे करंट प्लेयर है एंड स्पेस इज एट टू पे
बी करंट प्लेयर है, तो यहाँ से हमें रिटर्न ट्रू कर देना है, ठीक है। जस्ट फॉर हमें कंफर्म हो जाए तो हम यहाँ लिख देंगे, अपना कंसोल दे रहे हैं ये, प्लेयर करंट प्लेयर हैज़ वन बाय टॉप, टॉप से जीत गया वो, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं वो बॉटम में जीते, तो ठीक है, तो थ्री एंड सिक्स में चेक करेंगे। अब वो जीता है राइट, सॉरी लेफ्ट से, ठीक है। लास्ट हमें चेक करना है डायगनली कि ये जो प्लेयर है ये डायगनली जीत गया, तो डायगनली चेक होगा फोर एंड एट पे। इनके इंडेक्सेस का ध्यान रखना, हमने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की है, ठीक है, डबल वन बाय डायगनल, ठीक है। चलो जी देखते हैं, तो ओके एक बार रीलोड कर लेते हैं। ओके ये कुछ गड़बड़ हुई, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, इधर एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी सही नहीं हुआ, कंसोल में देखें। अच्छा मैच इज अ टाई इज नॉट डिफाइंड, ओके हाँ ये हमने फंक्शन नहीं बनाया, तो फॉर नाउ इसे कमेंट कर देते हैं। एंड अब ओके अच्छा तो इशू ये हो रहा था कि यार ये जो मैच इज अ टाई फंक्शन था ना, ये हमने डिफाइन मतलब यहाँ यूज़ कर लिया, बट ये डिफाइन नहीं था, तो होता क्या था, कोड यहाँ पे आता था ब्रेक कर जाता था, तो इससे आगे जा ही नहीं रहा था, इसीलिए कभी ये वाली कमांड रन ही नहीं हो रही थी, और ये रन नहीं हो रही थी तो हमारे प्लेयर्स अपडेट नहीं हो रहे थे, ये प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो ये ठीक है, अभी अब देखते हैं हमने बना दिया, ठीक है। तो देखो प्लेयर हैज़ वन एंड प्लेयर वन बाय टॉप, ठीक है। दोबारा अब राइट के लिए देखते हैं, प्लेयर वन बाय सॉरी लेफ्ट के लिए, प्लेयर वन बाय लेफ्ट। एंड अब हम देखते हैं कि जीरो अगर जीतता है डायगनली तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। प्लेयर जीरो हैज़ वन एंड प्लेयर वन डायगनली, ओके तो सेम चीज़ होगी, जस्ट अब हमें देखना है, अभी हमने क्या लिया था, टॉप लेफ्ट ले रखा था, ये स्पेसेस जीरो, अब हम लेंगे बॉटम राइट स्पेसेस एट, ठीक है। उसे चेक करेंगे, अगर ये करंट प्लेयर है तो यहाँ पे फिर से अब किस तरह से जीत सकता है वो, या तो राइट मोस्ट जीत सकता है या बॉटम मोस्ट, तो बॉटम मोस्ट के लिए देखेंगे बाय सेवन, एंड ये वन होगा बाय सिक्स एंड वन बाय बॉटम, ठीक है। एंड राइट मोस्ट के लिए वन बाय फाइव एंड वन बाय टू, ठीक है, वन बाय राइट, ओके लेट्स सी, ओके इसे रीलोड, यस प्लेयर एक्स हैज वन एंड बॉटम, प्लेयर एक्स हैज वन, ठीक है, बॉटम भी वर्क कर रहा है। अब हमारी एक कंडीशन बचती है मिडिल वाले, ठीक है, उसके लिए हम लेंगे मिडिल एलिमेंट ही ले लेंगे, स्पेसेस एट फोर लेते हैं, चेक करेंगे अगर करंट प्लेयर, ठीक है। अब इसमें तीन कंडीशंस बाकी बची हैं, हॉरिजॉन्टल मिडिल, वर्टिकल मिडिल, एक तो हॉरिजॉन्टल मिडिल ये वाला चेक करना बचा, वर्टिकल मिडिल ये बचा, एंड अपोजिट डायगनल बचा, ठीक है। तो इसमें हम चेक करेंगे स्पेसेस एट थ्री, अभी हम हॉरिजॉन्टल मिडिल के लिए देख रहे हैं, एंड स्पेसेस एट फाइव, अगर करंट प्लेयर है तो कंसोल लॉग प्लेयर दिस बिन बाय हॉरिजॉन्टल मिडिल, ठीक है, एंड रिटर्न ट्रू, ओके नेक्स्ट। अब हम देखते हैं वर्टिकल मिडिल के लिए, ठीक है, तो वर्टिकल मिडिल के लिए वन एंड सेवन, प्लेयर हैज वन बाय वर्टिकल मिडिल, ठीक है। एंड लास्ट आ जाएगा, अब हम आएंगे ऑपोजिट डायगनल पे, तो टू एंड सिक्स, ठीक है, प्लेयर हैज वन बाय ऑपोजिट डायगनल, ठीक है, तो लेट्स चेक इट, ठीक है, प्लेयर जीरो हैज वन बाय ऑपोजिट डायगनल, ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है। ये हमारी सारी कंडीशंस थी व्हेन द प्लेयर हैज वन। नाउ अब हमें देखना है मैच इज अ टाई, अब देखो मैच टाई कब हो सकता है,
मैच टाई होने का एक ही केस बचता है कि सारे के सारे हमारे जो बॉक्सेस थे सब फिल हो जाएं, उसके बाद भी कोई कंक्लूजन ना निकले। तो इफ स्पेस इज जीरो इज करंट प्लेयर, सॉरी नॉट करंट प्लेयर, प्लेयर वन, अब हमें पता नहीं कि क्या होगा, या फिर स्पेस इज जीरो पे प्लेयर टू होगा, है ना। इन दोनों में से कुछ भी हो सब जगहों पे, हम ये चेक कर लेंगे कंडीशन, ठीक है। तो इसमें एक चीज का आपको जो ज्यादा ध्यान रखने की नीड है वो ये है कि हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को इंडेक्सिंग हम डायरेक्टली 1 2 3 4 ऐसे यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ली थी। अगर आप वन बेस्ड इंडेक्सिंग लेके काम कर रहे हो तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, वरना जनरली इंडेक्सिंग में फिर गड़बड़ हो जाएगी और उससे रिजल्ट बहुत उल्टे सीधे आएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आई रिकमेंड कि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ही यूज करना, वन बेस्ड इंडेक्सिंग ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं रहती। और यार वेब डेवलपर हो तो मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस से या आईटी ब्रांच से होगे, तो जनरली यार प्रोग्रामिंग करते हुए हम लोग इंडेक्सिंग जब भी यूज़ करते हैं रेज में तो जनरली जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ही यूज़ करते हैं, वही प्रेफर्ड रहती है, तो इसीलिए उसी का यूज़ करोगे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो ये था, ये हमारी पूरी की पूरी इसमें कंडीशन लग गई है। अब हमने देखा कि अगर इतना है तो रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब मैच इज अ टाई, एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। तो देखो अब हम देखते हैं मैच इज अ टाई वाला सिनेरियो, ठीक है। ये था, तो देखो मैच इज अ ड्रॉ, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम है, हमारा जो रीस्टार्ट बटन है वो काम नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि यार उसके लिए हमने कुछ अभी किया ही नहीं है। अब उसे करते हैं, देखो रीस्टार्ट बट, अच्छा पहले रीस्टार्ट बटन यहाँ पे बुला लिया जाए, लेट रीस्टार्ट बटन इज, ठीक है, ये रीस्टार्ट बटन आ गया। सेम इसमें भी जैसे हमने पहले इवेंट लिस्नर ऐड किया था ना, इसमें भी इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे, रीस्टार्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक, एंड इवेंट लिस्नर क्या होगा? रीस्टार्ट, ठीक है। तो नाउ ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, एक तो जो हमारी स्पेसेस थी उसे हमें वापस से एम्प्टी कर देना है, खाली कर देना है, ठीक है। तो स्पेसेस जो हमने एरे बनाई थी ये क्या देगी मुझे? स्पेस देगी और उसका इंडेक्स देगी। मैं क्या करूँगा, स्पेसेस एट इंडेक्स को वापस से नल कर दूंगा, पहला। दूसरा, जो हमारा बॉक्सेस एरे था उसे मेरे को एम्प्टी करना है, एम्प्टी नहीं करना उसे, उसमें मेरे को इंडिविजुअल बॉक्सेस मिलेंगे, हर एक बॉक्स का जो टेक्स्ट है उसे वापस से मेरे को ब्लैंक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, करंट प्लेयर जो है उसे प्लेयर वन सेट करना है, एंड प्ले टेक्स्ट का इनर टेक्स्ट लेट्स प्ले डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रीस्टार्ट था, ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज़ का ध्यान दो, ये जितनी भी मेरी चीज़ें हैं ना ये सब इनिशियल वैल्यूज हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन्हें इनिशियलाइज ना करके अपना, जैसे हमने ड्रॉ बोर्ड को कॉल किया है ना, जावास्क्रिप्ट कॉल होते ही, लोड होते ही ड्रॉ बोर्ड कॉल होता है, वहीं पे हम रीस्टार्ट भी कॉल कर देंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, जैसे पहले चल रहा था वैसे भी चल सकता है, बट जस्ट ठीक है ऐसे ही चल सकता है, क्या जा रहा है ना। तो खेलते हैं प्लेयर 01 रीस्टार्ट, ओके नाउ दिस टाइम प्लेयर X1 रीस्टार्ट, ओके नाउ दिस इज अ टाई एंड अगेन रीस्टार्ट। थोड़ी सी एक चीज़ है, देखो जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं ना तो हमारी एक आउटलाइन आ जा रही है, ये स्टाइलिंग में जाके हम अपनी आउटलाइन हटा देते हैं, ये रहा आउटलाइन नन कर देते हैं, ठीक है। तो ये है बटन क्लिक अब काम करेगा, है ना। तो ये है यार, ये हमारा फुल बढ़िया टिकटॉक गेम रेडी है, बहुत जल्दी हमने बना लिया है। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो यार हमने बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में भी इसने सीखा, हमने इवेंट लिसनर्स के बारे में सीखा, है ना, हमने अपनी कस्टम स्टाइलिंग डालनी देखी कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्टाइलिंग कैसे डालेंगे,
फॉर ईच हमने देखा, ठीक है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इसमें हमने सीखी हैं। तो बस ये है यार, जाओ टिक टैक गेम बनाओ अपने लिए, दोस्तों के साथ खेलो, मजे करो। और एक छोटा सा हिंट है यार, अगर थोड़ी सी चालाकी दिखाना चाहते हो, मजे करना चाहते हो, तो हमने ना इसमें चेक्स डाल रखे हैं, आप एक अच्छा कैसा कुछ डाल सकते हो जिससे हमेशा आप ही जीतो, तो दोस्तों को पता भी नहीं चलेगा, हमेशा जीतते रहोगे, है ना। देखना करो और मुझे बताना यार नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी। बस और एक चीज़ और यार, एक तो नीचे हमारा कोड, मैंने डिस्क्रिप्शन में कोड का लिंक दे दिया है, अगर आपको कुछ भी कोड रिलेटेड इसमें हेल्प चाहिए तो इसका कोड गिटअप पे है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और मेरे से कुछ भी अगर यार हेल्प चाहिए हो तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे भी पिंग कर सकते हो, फटाफट आपकी हेल्प करेंगे खुशी खुशी, ठीक है। तो बस यार इतना ही आज के लिए, चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय।